Yesterday I told you exercise 1.1 and definition natural number, whole number, integer, rational number, and real number. Today I will teach you exercise 1.2. 1.2 में uses है irrational number, real number और number line. Okay? तो अब जो अपने exercise 1.1 है, इसका जो question number 1 है, ये तो first question है. ये ट्रू एंड फॉल्स में डिपेंड है. जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर वन है, वन का जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो आंसर है ना वो ट्रू एंड फॉल्स में एंड जस्टिफाई योर आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें गिवन है एवरी एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर. ओके, फर्स्ट टर्म देखो इनकी डेफिनेशन. इरेशनल नंबर इट मींस दो नंबर आर रिप्रेजेंट इन रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, डेट एंड पॉइंट के बाद उनकी डिग्री होती है. फॉर एग्जाम्पल 1.3434 रूट थ्री, रूट सॉरी रूट टू, रूट थ्री एक्सेट्रा, ये डिग्री होती है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. ओके, और क्वेश्चन में गिवन है एवरी रेशनल नंबर इट मीन ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो अब इसके बाद इसके देखो ये क्या होती डेफिनेशन इज रियल नंबर की, रियल नंबर इसमें होता है कि ये जो रियल नंबर है ना इसमें ऑल डिजिट आर काउंटेड. इट मींस ये क्या होता है, एक तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. ओके, इट मीन्स जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को जब काउंट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर. ओके, तो अब जो जितने जो इरेशनल नंबर है वो सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में. ये क्या आएगा, ट्रू. ओके, ये आएगा इट इज ट्रू. और रीजन क्या रहेगा, ऑल इरेशनल नंबर इंक्लूड रियल नंबर बिकॉज ऑल इरेशनल नंबर इंक्लूड रियल नंबर ये रिप्रेजेंट है रियल नंबर, वो अपने अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज सेट कर दूंगा. ओके, अब इसका जो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये गिवन है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन दी, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर नंबर लाइन इज ऑफ दी फॉर्म दी फॉर्म रूट में एम, रूट एम वेयर वेयर एम
is a natural number. Is a natural number. Okay. क्वेश्चन सबसे पहले ये देखो कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में क्या आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वैल्यू आर काउंटेड. इट मींस ये होता है नंबर लाइन. ये देखो ये जीरो हो गया, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, ये माइनस वन, माइनस टू, यहाँ माइनस का थ्री, तो इसमें ये तो होती है नंबर लाइन. नंबर ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट में एम, और हियर एम क्या है, रेगुलर नंबर. इट मींस जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो पॉसिबल है रूट में, बट नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन रूट टर्म. So it is a false. ये क्या आएगा, false. Okay, ये होगा false. ये false. तो इसमें ये लिख देना कि negative number, negative number. No negative number can be the square root, can be the square root of any natural number. नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, इट इज नॉट पॉसिबल इन रूट वैल्यू, तब ये क्या आएगा, फॉल्स होगा. ओके, समझ आ गया आपके. अब इसका थर्ड नंबर है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर ओनली
इरेशनल नंबर है तो यहां पर इरेशनल नंबर आया नहीं, ये क्या था फॉल्स। ओके तो फॉल्स इट इज नॉट डिफाइंड बाय इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। Real number is not irrational number. सेकेंड नंबर में गिवन है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर इफ नॉट गिवन एंड एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर लेट इज इरेशनल नंबर। इसमें क्या आएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल रूट फोर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन में गिवन है जितनी जो पॉजिटिव इंटीजर है ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉरी इज इरेशनल नंबर, ये क्या आएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट फोर रूट नाइन रूट में 16 ये रूट वन करके वन हो गया, फोर का रूट टू, नाइन का थ्री और फोर का 16 का फोर, तो ये सोल्व करने में वन हो गया, फोर का टू आ गया, नाइन का थ्री है, 16 का फोर है, तो ये क्या है, ये नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके ये पॉसिबल नहीं है। हाँ रूट टू है, रूट थ्री है, रूट का फाइव है, रूट का सिक्स है, रूट का सेवन है, रूट में एट है, ये तो इरेशनल नंबर है, ये और सारे कितने एक्सेट्रा इरेशनल नंबर बट ये क्या है, इसमें क्वेश्चन में ऑल गिवन है। ओके इट इज नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में ये गिवन है कि सो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, जो वैल्यू है इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रूट फाइव को। ओके इसको करने से पहले अपनी बुक में गिवन है एग्जांपल गिवन है रूट टू का, रूट थ्री का।
सबसे पहले देखो कि रूट टू का इसको किस तरह करना है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन, इसको करना है रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे, नंबर लाइन, ठीक है। और इसको करने से यू हैव स्टडीज इन प्रीवियस क्लास, एट क्लास में यूज पाइथागोरस थ्योरम में, कि इस क्वेश्चन को यूज करना है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है, इसमें हाइपोटेनियस, इसकी होल स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, बेस की स्केयर, ये हाइपोटेनियस का शॉर्ट फॉर्म है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म है, और ये बेस की स्केयर है, इसका ये यूज करना है, ठीक है। और तुम्हें इतने भी नॉलेज है कि जो ये चेन होता है किसके अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसको चेंज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन है, जीरो यहाँ, वन ये टू, माइनस वन माइनस टू, तो अब देखो ये जीरो जीरो से लेके यहाँ तक ये वन यूनिट होगा, ये वन डिजिट है, तो मैं यहाँ से लेके इस पे ये जो वन है ना, जीरो से लेके वन यहाँ तक इसकी जो लेंथ वन से वन ही है, और इस वन पे मैं ड्रा करूँगा 90 डिग्री, ड्रा कैसे करेंगे, पहले हम कर रहे हैं रूट टू वाला, ये रूट टू का नंबर लाइन, ओके। तो ये वन हो गया, इस वन पे ड्रा करना है 90 डिग्री एंगल, you have learned in previous class, 8th class में draw the 90 degree angle, इस बीच में arc लगा के, arc लगा लो किस तरह, ये arc लगा के, ये first arc है, ये या इसमें आप उससे draw कर देना protractor से 90 degree angle, या उससे कर देना, या direct इससे कर दो, use की जो आप इधर देखो कर देना, ये जो first आएगा 60 degree का, second 120 का, इसका arc इस पे, और ये आर्क ये होगा 90 डिग्री का, अब ये इतना है वन है, तो यहाँ से लगाऊंगा वन सेंटीमीटर का, ये वन यूनिट का, ये आर्क ये वन का, ठीक इस पे हो गई है, तो ये मिस्टी हो गई है, ये तो अपना जीरो इस में ड्रा करूंगा, आर लगा दूंगी, ये फर्स्ट आर 60 डिग्री का, सेकंड आर 120 का, इस पे आर सेकंड आर इस पे इतनी है, ये वन है तो यहाँ से वन हो, ये ओ ये करता है ए और ये बी, अब ये वन है, ये वन है, ओ करता है बी, तो है ओ वन टू बी, अब इसमें जो बेस है, बेस क्या है, वन है, परपेंडिकुलर बेस है ना, ओ ए है ना, ये बेस है, ओके, और परपेंडिकुलर ए बी, ये वन है, वन हो गया, तो ये यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या है, ये हाइपोटेनियस है, तो OB की होल स्केयर इज इक्वल टू OA की होल स्केयर प्लस AB की होल स्केयर, विल पुट OB की होल स्केयर, OA वन की स्केयर, ये वन की स्केयर, OB इसकी स्केयर, तो ये वन किस कर वन किस कर वन, ओ बी ये रूट में ए टू आ गया, तो यहाँ रूट टू क्या देगा, तो ये रूट टू का है, इस तरह रूट देगा फाइन कर सकते हो, और रूट फाइव फाइव लेफ्ट पर देगी, समझ आ गया, ये तो रूट टू का है, ये तो विश ने समझाया एग्जाम्पल से, हम तो सोल्व कर दें, हाँ सॉरी इसके बाद ये हो गया रूट फाइव हो गया, अब इसमें हम क्या हमको रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें जो अपना आर्क है ना वो ओ और बी है, इतने आर्क ओपन करना है,
लेडीज का, डॉक्टर कहते इसको इस तरह मुंह बदलना है, और उस नंबर